आइंदा आम इंतखाबात 8 फरवरी को जमात इस्लामी की फतह का सूरज तलू होगा। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत जमात इस्लामी बनाएंगे, आवाम इस बार तराजू को वोट दें। इन ख्यालात का इजहार पी के 66 शब कदर से जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवार हाजी खुदादाद खान ने शब कदर के मुख्तलिफ यूनियन काउंसिल्स में शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि माजी के करप्ट तरीन नुमाइंदों ने मुल्क कौम की तरक्की खुशहाली से महरूम करके अवामी मुश्किल मसाइल में इजाफा हो गया। खुदादाद खान ने कहा कि साबिका हुकूमतों की गलत पॉलिसियों की वजह से बिजली, सुई, गैस और दीगर सहूलियात से आवाम महरूम है। दीगर सियासी जमातों के सैकड़ों कारकुनान ओहदेदारान ने जमात इस्लामी के कायदीन पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करके जमात इस्लामी में शामिल हो गए हैं। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी के कायदीन को झूठे और खोखले नारों की जरूरत नहीं। शमूलियती प्रोग्राम से खिताब करते हुए पी के 66 शब कदर के नामजद उम्मीदवार हाजी खुदादाद खान ने कहा कि शब कदर के अवाम 8 फरवरी को जमात इस्लामी के नामजद उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब करके खिदमत का मौका फराहम करें।